सो गाइस मैं भी सिम्बा को उठा लिया और उसे ठीक करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर लाना, क्लोज करना नीचे। हे गाइस, दिस इज योर रितेश, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आई होप कि गाइस आप लोग सब मस्त होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे एंड खड़े होंगे। सो गाइस आई नो कि काफी दिनों से सिम्बा का वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरी भी हेल्थ सही नहीं थी, जिसके वजह से नहीं आ पा रहा था। सो अभी जैसे कि अभी मेरा हेल्थ सही है, तो जिसके वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आज व्लॉग कर लूँ। एंड आप लोग का काफी रिक्वेस्ट आ रहा था ताकि सिम्बा का एक जो वेट कितना है सिम्बा का, उसका एक वीडियो बना के लेकर आऊँ। तो मैं आज सिम्बा को डिवार्मिंग भी करवाने लेकर आया हूँ एंड इसका वेट भी मैं आप लोग को लाइव दिखाऊंगा कि इसका वेट कितना है। एक्चुअली ये अभी सिम्बा भी मेरा 6 महीने का हो चुका है, मैं आपको अभी थोड़ा सिम्बा को दिखाता हूँ, उसके बाद मैं वेट का जो मेजरमेंट होगा वो मैं दिखाऊंगा आप लोग को लाइव। जैसे भी देख पा रहे हैं सिम्बा को, मेरा 6 महीने का हो चुका है अभी एंड कैसे क्वालिटी का है आपको जैसे कि देख के पता ही चल रहा ही होगा। देखो मैं अभी आपको लाइव इसका वेट दिखाने वाला हूँ क्या वेट है। चलो तो गाइस मैं अभी सिम्बा को उठा लिया और उसे चेक करने वाला हूँ। यहाँ पर लाना, क्लोज करना नीचे। तो गाइस सिम्बा का अभी अप्रॉक्स 22 kg लगभग है, जैसे कि अभी आपने देखा ही। क्योंकि गाइस मेरा जो वेट था वो 55 kg था एंड उसको लेके मैं खड़ा हुआ था, लाइक 77 निकाशी हो रहा था, तो अप्रॉक्स 22 kg हो गया होगा। तो जी हाँ गाइस, मैं अभी सोच रहा हूँ, अभी तो सिम्बा का लाइक आपको भी पता है, इसका जो मेजरमेंट मैंने किया इसका वेट का, आपने देख लीजिए कितना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइक इसका शैम्पू भी ख़त्म हो चुका था, तो मैं सोचा कि आज इसका एक कोई शैम्पू ले लूँ। तो अंकल ने मुझे एक सजेस्ट किया है शैम्पू, मैं उसको अभी शैम्पू का आपको नाम बताता हूँ, टिक प्रीक ये शैम्पू है। ये एक्चुअली एलोवेरा टी ट्री ऑयल एंड कंडीशनर एडवांटेज, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, एंटी टिक डॉग शैम्पू है। ये टिक के लिए बेसिकली काफ़ी अच्छा होगा, तो मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी यहाँ से अगर ये ले सकते हैं, और तो और मैं अंकल से भी पूछता हूँ कि और कोई अच्छा एक शैम्पू है कि नहीं। जैसे कि मैं टिक फ्री शैम्पू ले रहा था बट नहीं बोला, मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि ये सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू जो है ये बेटर होगा, क्योंकि उसका टिक था नहीं एक्चुअली, तो सिम्बा के लिए मेरे को लगा यही बेटर होगा, इसकी वजह से मैंने ये ले लिया। एंड आप थोड़ा देख भी सकते हैं, मैं क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। इसका प्राइस भी जो गाइस है वो ज़्यादा नहीं है, ओनली 340 rupees है, काफ़ी अच्छा है। ऐसे बोल तो रहे हैं दादा, अगर अभी यूज करेंगे तो उसके बाद में आपको इसका फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट होगा मैं वो आपको बताऊंगा। तो गाइस मैं अभी दादा को पेमेंट कर दिया हूँ जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, ठीक है। अभी आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप कि गाइस आप लोग को अच्छा लगा, एंड आप लोग भी अपने डॉग को कौन सा शैम्पू यूज करवाते हैं आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, एंड ब्लॉग कैसे लगा मुझे प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, तो पुराने व्यूअर्स हैं उन लोग तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, न्यू व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप भी नोटिफाइड रहे, एंड आप लोग को हमारा जो वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूं ताकि वो सारा वीडियो आप लोग को पहले अपडेट मिल जाए। देखिए सिम्बा ना परेशान कर चुका है, तो मिलते रहेंगे इसी तरह। तो गाइस मिलते रहेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बी सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।